नमस्कार, आपण पाहत आहात शौर्य मराठी। वरणगाव येथील आयुध निर्माणी फॅक्टरीत भोंगळ कारभार सुरू असून यामुळे निष्पाप कामगारांना आपला जीव धोक्यात टाकावा लागत आहे। एक कर्मचारी आगीत थोरपला असून काही दिवसांपूर्वी एका चिमुकलीचा येथील उद्यानात खेळताना मृत्यू झाला होता। या प्रकरणाची कुठलीही चौकशी करण्यात आलेली नाही। ठेकेदार व प्रशासन यांच्या संगमताने एकमेकांना हाताशी धरून ते व्यवहार करीत आहेत असा आरोप करीत या फॅक्टरीच्या कामकाजाची व अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता संजय खन्ना यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग व सीबीआय अधिकारी यांच्याकडे केली आहे। दिनांक 16/5/2022 को बहुत ही दुखद घटना आयुध निर्माण फैक्ट्री वरंगाव में हुई, जो कि एक छोटी सी बच्ची जो झूले से गिरकर बेचारी की दुखद घटना हो गई और वो एक्सपायर हो गई, जिसके चलते कोई भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की आज तक। उसके बाद एक दुखद घटना बहुत ही खतरनाक हो गई, जो 17 तारीख को एक ठेकेदार का जो कर्मचारी है उसको सेफ्टी सेक्शन में जो था काम के लिए रखा गया था, उसको इन्होंने बर्निंग ग्राउंड पर भेजा और वो बेचारा 80%, जबकि लगभग उसका एक्सप्लोज होने के कारण उसको 80% उसका बर्निंग हो गया, जिसके चलते उसके पास में हाल ही में कोई पैसे भी नहीं है इलाज के लिए। ना तो उसको जो ठेकेदार है वो मदद कर रहा है, ना प्रशासन उसको मदद कर रहा है। पहली बात तो देखी जाए कि जब ऐसे काम जब अगर किसी व्यक्ति से कराना हो तो उसको सेफ्टी इक्विपमेंट देना चाहिए, जिसके चलते प्रशासन ने कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सेफ्टी के जो इंचार्ज प्रदीप पाटिल है उन्होंने भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ये क्लियर साबित होता है कि सब संगमत से कैसे इल्लीगल काम आयुध निर्माणी के अंदर ठेकेदारों की ओर से और प्रशासन के अधिकारी की ओर से मिली जुली सरकार कर ये काम हो रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कई वरिष्ठ अधिकारी जो इस फैक्ट्री के अंदर खुद कांटेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि कई एंटरप्राइजेस है जिसकी भी तहकीकात ये सीबीआई मार्फत चौकसी करे तो मैं निष्पन्न और एविडेंस और प्रूफ दूंगा कि किस तरह के अधिकारी इस फैक्ट्री के अंदर माल सप्लाई कर रहे हैं, अपनी खुद की गाड़ी सप्लाई कर रहे हैं, अपनी मिसेजों के नाम से कई प्रकार के ये अपने फैक्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई कर रहे हैं, जिसके चलते हुए प्रशासन इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि ये इलीगल काम कर रहे हैं और ये सब मिली जुली सरकार, इनकी सरकार पूरी इनकी घाट है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से, कि इस फैक्ट्री की सीबीआई जांच करे। जब से महाप्रबंधक आयुध निर्माणी वरंगा फैक्ट्री में आए हैं और जब से ये एजीएम गुप्ता यहाँ पर है और इनके कार्यकाल के अंदर कितने ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं और कई बेचारे एक बच्चे की मौत हो गई, एक कर्मचारी जो जला पड़ा है बेचारा, उसके ऊपर कोई उसको कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है, ना उसको ठेकेदार की ओर से कोई सहयोग दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन और ठेकेदार ये दोनों मिलकर साठगांठ कर अपने पैसे की व्यवस्था कर एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी से, माननीय सीबीआई अधिकारियों से, कि वरंगा फैक्ट्री के अंदर इस प्रकार की जांच करें कि किस तरह से ये अधिकार इस सरकार को लूट रहे हैं और देश की बर्बादी कर रहे हैं और कई लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं।